नमस्कार, वेब दुनिया की खास प्रस्तुति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा रेड्डी। कैसा रहेगा मकर राशि के जातकों के लिए यह साल 2020, आइए जानते हैं। मकर राशिफल 2020 के अनुसार मकर राशि के जातकों को इस वर्ष अनेक महत्वपूर्ण और कठिन निर्णय लेने पड़ सकते हैं, जो संभवतः आपके आसपास के लोगों को अधिक अच्छे ना लगे, लेकिन फिर भी ये आपके जीवन में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। आपके अंदर परोपकार की भावना का भी जन्म होगा और आप लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हालांकि सबके बावजूद आप मानसिक रूप से कुछ असंतुष्ट रहेंगे और मन में अजीब सी बेचैनी बनी रहेगी। किसी भी तरह की घबराहट और व्याकुलता में आकर उत्तेजित न हो और धैर्य से कार्य करें, चाहे आपका पारिवारिक जीवन हो या फिर पेशेवर जीवन, सभी जगह सोच समझकर काम करें। मकर राशि 2020 के अनुसार इस वर्ष 24 जनवरी को शनिदेव आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे और आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपके व्यापार को नई दिशा देंगे तथा आपके कार्यक्षेत्र में आपको मेहनती ही बनाएंगे। वहीं दूसरी ओर गुरुदेव बृहस्पति 30 मार्च को आपकी राशि में प्रवेश करेंगे और आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव पर दृष्टि देंगे, जिससे आपकी विद्या, प्रेम संबंध, संतान, दाम्पत्य जीवन, व्यापार, उच्च शिक्षा, मान सम्मान तथा भाग्य में वृद्धि करेंगे। यही बृहस्पति देव 14 मई को वक्रिय हो जाएंगे और 30 जून को पुनः धनु राशि में 12वें भाव में चले जाएंगे, जिससे कि आपके खर्चे में वृद्धि हो सकती है और स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां भी आ सकती है। इसके बाद 13 सितंबर को मार्गी होकर 20 नवंबर को पुनः आपकी ही राशि में आ जाएंगे और आपके लिए अनुकूलता का प्रभाव देंगे। मध्य सितंबर तक राहु महाराज आपके छठवें भाव में रहेंगे और आपको अपने विरोधियों पर जीत दिलाएंगे। उसके बाद पंचम भाव में उनका गोचर संतान तथा शिक्षा के लिए कुछ परेशानियों से भरा रह सकता है। इस वर्ष आप अनेक यात्राएं करेंगे और वर्ष भर व्यस्त रहेंगे। जो लोग विदेश यात्रा की कामना मन में लेकर बैठे हैं, उनकी इच्छा इस वर्ष पूरी होने की प्रबल संभावना है।